नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। हैप्पी बर्थडे रेखा जी। जी हां, आज उस शानदार अदाकारा का बर्थडे है जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये बता दिया कि पहली पंक्ति में खड़े रहने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है। अपनी मेहनत, हुनर और जज्बे से आज वो बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा बनकर खड़ी हैं जो पहली पंक्ति में खड़ी हैं। 70 की दशक से लेकर अब तक रेखा जी पहली लाइन में तमाम हीरोइनों के लिए, तमाम उन एक्टर्स के लिए एक एग्जांपल बनती जा रही हैं। आपको बता दें कि 66वां बर्थडे मना रही है आज रेखा जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गोल्डन जुबली यानी 50 साल पूरे कर चुकी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में रेखा जी। जी हाँ बिल्कुल, यानी इस खूबसूरत अदाकारा ने तमाम वो आलोचनाओं के बीच से स्टार्टिंग से लेके अब तक चीजें देखी और आज वो निखर कर एक हीरे की तरह चमक रही हैं। पहली फिल्म आपको बता दे सावन भादो, उस फिल्म से रेखा को बहुत सारी अहमियत मिली, लोगों ने जाना और समझा। साथ ही साथ उसके बाद में तमाम ऐसी फिल्में आई जिन्होंने रेखा को एक नाम दिया, एक पहचान दी। साथ ही साथ इस बॉलीवुड अदाकारा ने अपने काम और हुनर से अलग पहचान और मुकाम हासिल किया। तो चलिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही साथ गोल्डन जुबली यानी 50 साल पूरे कर चुकी है पहली भारतीय एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने 50 साल बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं। तो मस्ती करते हैं, केक काटते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक बार फिर आप भी कहिएगा हैप्पी बर्थडे रेखा जी। तो हैप्पी बर्थडे रेखा जी, यानी कि आज रेखा जी का बर्थडे है और मैं रेखा द दीवा यानी कि पूरी टीम सेलिब्रेट करती हुई आपको नजर आ रही है। और यकीनन ये बर्थडे हर साल ऐसे ही मनाया जाता है, इतनी खूबसूरती से मनाया जाता है। स्पेशल आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो ड्रेसिंग है वो देखकर अंदाजा लगाए कि कितने बड़े ये फैन है रेखा जी के, क्योंकि हर किसी की टी शर्ट्स पर खूबसूरत रेखा, यानी आपको बता दें कि रेखा जी की खूबसूरत तस्वीर इनके टी शर्ट्स पर नजर आएगी। वो दीवानगी अंदर आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि रेखा जी के कितने बड़े फैन है ये। पहले तो मैं एक बार फिर से कहूंगी कि एक बार फिर से दोहराइएगा कि हैप्पी बर्थडे रेखा। हैप्पी बर्थडे रेखा जी, हैप्पी बर्थडे रेखा जी। देखिए रेखा जी का बर्थडे है, केक काटा गया है और आप ये जानेंगे कि आज दो केक क्यों। आज दोहरी खुशी यूं है कि एक तो उनका बर्थडे केक कट रहा है, दूसरा 50 साल वो पूरा कर चुकी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने काम के साथ साथ, अपनी अदाओं के साथ साथ और अपने हुनर की पहचान का दम भरने वाली रेखा जी ने पहली पंक्ति पर खड़े होकर कह दिया कि चाहे मैं सांवली थी या फिर मोटी थी, लेकिन सुर्खियां बटोरने में नंबर वन रहने वाली रेखा जी का आज बर्थडे है। और आप देखेंगे किस तरह पूरे घर को सेलिब्रेट किया है। रेखा द दीवा ये जो टीम है ये हर साल बर्थडे बनाती है, साथ ही साथ हर साल कुछ ना कुछ नया एक एग्जाम्पल के तौर पर लोगों के लिए, युवाओं के लिए लेकर आती है, हमारी जो नई जनरेशन पीढ़ी है। मैं चाहूंगी कि सेलिब्रेट आपने केक किया, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बर्थडे हर साल आप मनाते हैं तो पहला एक डायलॉग हो जाए रेखा जी के। उनका जो डायलॉग थे बहुत सारे हैं और इंडस्ट्री में जो उनका एक इतिहास रहा है, बहुत लंबा इतिहास रहा है, उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा एक डायलॉग जो शायद उनको उनकी ब्यूटी को बहुत सूट करता है और बहुत सही है। डायलॉग है कि हमारे हौसले का सामना करना जिगर का काम है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत सही है। मतलब उनका जो हौसला है उसका जो सामना करना बहुत ही जिगर का काम है, इंडस्ट्री के लिए तब भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। ये दीवानगी है रेखा जी के लिए, आज भी उनके दीवाने और चाहने वालों की कमी नहीं है। आपको बता दें कि करोड़ों फैन फॉलोइंग के पीछे ये भी इनके फैन है। और 66वां बर्थडे, आपको बता दें कि 65 साल पूरे कर चुकी है रेखा जी और 66वें में कदम रख चुकी है, लेकिन खूबसूरती आज भी उतनी ही और बरकरार बनी हुई है कि हर कोई उनके दीवाने हैं। इस कोविड में ये बर्थडे थोड़ा सा फीका जरूर है हर साल की तरह, लेकिन फिर भी बर्थडे नहीं मनाना छोड़ा, हर साल बर्थडे मनाते हैं। और रेखा द दीवा को भी 20 साल पूरे हो चुके हैं और साथ ही साथ लगातार आप बर्थडे मनाते हैं, तो इस साल अगर मैं कहूँ क्या कहना चाहेंगे रेखा जी के लिए। देखिए जैसा आपने कहा कि जन्मदिन तो हर साल मनाते हैं, बट इस बार जो वजह है वो जन्मदिन के साथ साथ जो 50 साल उन्होंने पूरे किए सिनेमा जगत में, ये अपने आप में मिसाल है। जो अभी न्यूकमर एक्ट्रेसेस हैं जो उनसे इंस्पायर्ड हैं वो उनसे सीख लेती हैं, तो इतने बड़े लेजेंड का 50 साल काम करना एज ए नायिका के तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
ना सिर्फ हम फैंस के लिए बल्कि उन सभी सितारों के लिए जो बॉलीवुड में खुद काम कर रहे हैं। 50 साल इतिहास रचना एक इंडस्ट्री के अंदर एज ए हीरोइन, एज ए लीडिंग हीरोइन, वो 50 इयर्स पहले भी हीरोइन थी और 50 इयर्स बाद भी वो आज भी हीरोइन। उनका ग्लैमर इतना हाई है कि आज भी जब वो अवार्ड फंक्शंस में या टीवी स्क्रीन पर आती हैं, आप देखो क्या आलम होता है, तो वो तभी भी हीरोइन थी। तो एज ए हीरोइन, एज ए लीडिंग हीरोइन, आलम हम वहाँ तो नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वहाँ हम नहीं जाते, लेकिन आपकी आंखों के जरिए जरूर समझ। नहीं, ये सिर्फ मेरी आंखों में नहीं, ये सबकी आंखों में दिखता है, क्योंकि ये जो जोश और जुनून है ये ऐसे ही नहीं है, जो उनके लिए दीवानगी है। एक्चुअली दीवानगी से ज़्यादा ये एक एम है हम लोगों का, वी आर नॉट लाइक ए रेगुलर फैंस। हम ये भी तो जानना चाहें कि आप कितने दीवाने हैं रेखा जी के और कितने बड़े फैन हैं, तो डायलॉग हो जाए, आप भी कुछ सुनाइए। रेखा जी के डायलॉग्स तो खैर बहुत सारे हैं, और मतलब उनकी जो मूवीज में डायलॉग्स होते हैं मतलब एक से बढ़ के एक होते हैं, और उनके जो मतलब सबसे के करीब कौन सा है? मेरे फूल बने अंगारे का है, जब वो लास्ट में जो मतलब झांसी का रानी का अवतार लेती हैं, उसमें जो मतलब वो लेसन देती है ना सबको, सारी फीमेल्स को जो भी लेसन देती है कि जियो तो झांसी की रानी बनकर जियो, वो वाला मतलब मोस्ट फेवरेट डायलॉग है मेरे, क्योंकि उन्होंने अपनी मूवीज जितने भी है ना सब में एक मतलब बतौर एक्ट्रेस कह लो या एक घरेलू स्त्री का कह लो या जो भी कह लो, उन्होंने स्त्री को फीमेल को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है अपनी मतलब कोई भी अन्याय या किसी चीज़ को लेकर कि अपने आप लड़ो, अपने लिए लड़ो, स्टैंड लो। यानी रेखा जी के ये दीवाने इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रेखा जी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम लोगों के लिए और भारत के हर उस नागरिक के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर भूमिका निभाई और खड़ी होकर बताया कि हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को जीना है तो झांसी की रानी बनकर जीना है, कभी किसी से हारना नहीं है। वहीं आप देखेंगे, क्या नाम है आपका? आशीष। आप कुछ सुनाएंगे? क्या बोलूँ, मतलब रेखा जी का जो कॉन्फिडेंस होता है वो किसी भी मतलब रोल को लेकर होता है, उनकी मूवीज़ को लेकर होता है, वो हमेशा मतलब ब्रिलियंट ही रहा है। वो किसी भी रोल को ऐसे करती हैं जैसे कि आजकल अगर देखा जाए तो इतना जो क्लियरिटी चाहिए होती है रोल में वो नहीं मिलती। उनकी किसी भी मूवी को आप देख सकते हैं, उसमें एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो इतना अच्छा होता है, ऐसा लगता है मूवी नहीं देख रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो रियलिटी है, बिल्कुल भी फेक नहीं लगता है उनका। और जब वो कैमरे पे आते हैं तो माय गॉड, बाकी आप जानते ही हैं। बिल्कुल, और मैं उधर भी चाहूँगी एक बार दिखाया जाए कि पूरे घर को किस तरह इन्होंने डेकोरेट किया है, हर तरफ आपको रेखा जी की तस्वीरें नजर आएगी। इतने बड़े दीवाने हैं ये रेखा दीवा की, ये पूरी जो टीम है। ठीक है, तो आज बर्थडे सेलिब्रेट करने के साथ ही बहुत सारी बातें जो रेखा जी के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं वो रेखा जी के फैंस से हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी वो बातें हैं जिनकी वजह से ये रेखा जी के बहुत बड़े फैन हैं। आखिर रेखा जी क्यों? बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो तमाम ऐसी एक्ट्रेस मिल जाएगी जिनके हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों दीवाने हैं, तो फिर रेखा जी क्यों? उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ कहना चाहेंगे? And I would like to say that the struggle she has done, she has proved that nothing is impossible in this world, because she is a kind of lady, she has got such a soul that we can say she is the only one who has struggled a lot and shown everybody that a woman can lead in this world. That's what I love her. And she has also completed 200 movies as a heroine. So that's what I appreciate. Because for a woman, like I am a woman, I know. For me, I have to struggle now and then. It's very difficult to lead a normal life in this male-dominated society. But she has proved that she is the only one and she can live all alone. I love her very much. इतना प्यार है रेखा जी के लिए क्योंकि रेखा जी ने हर एक भारतीय नारी को, हर एक महिला को बहुत कुछ सिखाया है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी रेखा जी के बहुत बड़े बड़े फैन? हाँ, वैसे तो मैं उनकी कई सारी चीज़ों का फ़ैन हूँ, जैसे कि उनकी ड्रेसिंग सेंस और उनका मेकअप और बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद ये एपिसोड भी उसके लिए कम पड़ जाएगा। तो मैं एज अ डांसर बिलोंग करता हूँ अपने प्रोफेशन में, तो मेरे को उनका जो एक्सप्रेशंस होते हैं डांस को लेके वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक उनका मेरे को फेवरेट गाना जो मुझे पसंद है, मैंने बच्चों को भी कराया है, लास्ट ईयर हमने एकेडमी भी खोली है रेखा जी के ऑन बर्थडे पर ही, तो उसका जो गाना था वो था कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके हो गए दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हो तेरा अंग है नशीला रंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारी बातें जो हम आपको बताएंगे। केक कट रहा है, साथ ही साथ एंजॉय किया जा रहा है और उनका हर एक वो गाना
जो दीवानगी की तरह हर किसी के दिल में होता है। दूसरा, उनकी पहली फिल्म से लेके, आपको बता दें कि सावन भादो से लेके अब तक तमाम फिल्मों से बहुत कुछ लोग सीखते हैं, तमाम फिल्मों को लोग अपनी लाइफ में कहें कि इंस्पायर होने के लिए ज़रूर उसे अपनाते हैं, और कुछ ना कुछ रेखा जी से सीखने को हमारी भारतीय महिलाओं को, साथ ही साथ बेटियों का कहना है कि बहुत कुछ मिलता है। आज उसी के साथ बॉलीवुड में 50 साल पूरे करने वाली रेखा जी का बर्थडे पूरा टीम सेलिब्रेट कर रही है, पूरी यस हम गोल्डन जुबली कह सकते हैं कि पहली ऐसी हीरोइन है, बतौर हीरोइन नायिका के रूप में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अहम भूमिका निभाई, एक छाप छोड़ी है, और उसी की वजह से। लेकिन रेखा जी का बर्थडे हर साल क्यों सेलिब्रेट, क्यों ऐसा रीज़न मैं जानना चाहूँगी फैन होने के नाते, लेकिन साथ ही साथ रेखा जी। देखिए बहुत सारे रीज़न हैं, सबसे बड़ा रीज़न ये है बिकॉज शी इज़ रेखा, और ये अपने आप में बहुत अल्टीमेट आंसर है क्योंकि वो रेखा हैं, और रेखा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्ट्रेस आई और गई और आगे भी सिलसिला चलता रहेगा, बट जो उन्होंने अपनी जगह बनाई है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि 50 ईयर्स उनका गोल्डन जुबली है, वो 50 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी हैं, तो एज ए हीरोइन 50 ईयर्स में उसी शान से टिके रहना इंडस्ट्री में, उसी ग्लैमर, उसी दमखम, उसी रुतबे से टिके रहना, ऐसी रेखा खींची कि किसी को आगे आना ही नहीं दिया। हाँ जी, तो वो चीज़ें हैं और भी तमाम, एंड मतलब जो उनका जैसे वो एज ए एक्ट्रेस जैसे हम उनको बहुत एडमायर करते हैं, उन्होंने बहुत फैशनेट किया है मुझे बचपन से, बहुत फैशनेट किया है। लेकिन एक और चीज़ है, मुझे ज़्यादा फैशन किया बिहाइंड द रेखा एज ए पर्सन, एज ए ब्यूटिफुल व्यूमन, मतलब वुमन, जो जैसे वो एक बहुत खूबसूरत इंसान भी हैं, बहुत ज़हीन इंसान है, बहुत सारी बातें हैं तमाम जो मीडिया में अक्सर नहीं आ पाती हमेशा। अभी मैं देखा था अभी कुछ कुछ चैनल्स पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर, लेकिन बहुत घिसे पिटे अंदाज में, मतलब वही र्यूमर्स, स्कैंडल्स, अफवाहें, अमिताभ ये सॉरी नाम ठीक नहीं है बट जो भी है, लेकिन आपका चैनल जो कर रहा है वो बहुत डिफरेंट चीज़ कर रहा है, मतलब आप हमेशा कुछ रियलिटी शोज़ की तरह दिखा रहे हैं कि ऐसा भी होता है, लोग ऐसा भी करते हैं, और उनकी अच्छी बातें, जो चीज़ें जो आज से सामने नहीं आ पाई वो हम लोगों का एम है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए रेखा जी के दीवाने हर उम्र के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्या कहेंगे? रेखा जी के लिए आपको मैं पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मैं बहुत देर से उस तस्वीरों को देख रहा हूँ, मैं उनकी पहली फिल्म, नरेंद्र जी आपकी तरफ पहली फिल्म का फोटोग्राफ देखें, उसके बाद उमराव जान देखें, खून भरी मांग का देंगे, उनकी फ़ोटो सेशन देखें, मैं आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, 5 दशक को कितनी अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई किया गया है, और उन्होंने एक मील का पत्थर ऐसे साबित किया है अपने आप को कि अगर इंसान चाहे तो कुदरत के करिश्मे को खुद करिश्मा बनाकर पेश कर सकता है। जैसे मुजफ्फर अली ने जब उन्होंने फिल्म बनाई थी, खयाम साहब ने संगीत दिया था उमराव जान के लिए, उनका कहना ये था कि जब फिल्म बन रही थी तो रेखा जी जब सेट पर आती थी तो उमराव जान के कैरेक्टर में ही रहती थी, वो ड्रेस नहीं चेंज करती थी, उसी किरदार को इस तरीके से जीकर उन्होंने निभाया, इसलिए वो उमराव जान के रूप में जानी जाती है। क्या बात है, ये अपने आप में एक मिसाल है, वो एक फिल्म नहीं करती, एक किरदार को जीती हैं, जिसे शायद लोग, इतने सारे लोग जो यंगस्टर हों, ओल्ड एज के लोग हों, और आने वाली पीढ़ी भी इस तरीके से उन्हें देखती है, सिर्फ सुंदरता के मायने में नहीं, अभिनय के मामले में भी, इसलिए वो हमेशा जानी जाती रहेंगी, इसलिए हम सब इतने डाई हार्ड फैन हैं उनके। उनकी कांजीवरम की साड़ी पहनने का तरीका, अभी आप देखें स्टार प्लस के शो में, आप देखो गुम है किसी के, उनकी रामपुर का लक्ष्मण फिल्म है, उसके गाने की थीम पर ये मतलब उसका नाम रखा गया है, लेकिन एज ए प्रमोटर उनको ही चुना गया, तो कुछ तो बात होगी जो आज के जनरेशन के लोग जो सीरियल्स बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, तो उन्हीं को क्यों याद करें, क्योंकि उनका कोई विकल्प नहीं है, हर किसी हीरोइन का कोई ना कोई विकल्प रहा है, रेखा जी का कोई विकल्प नहीं, उनके समानांतर की कितनी हीरोइनें आईं और चली गईं, कैरेक्टर रोल में भी करके वो आउट हो गईं, लेकिन वो आज भी एज ए लीडिंग लेडी के तौर पे टिकी हुई है, तो ये अपने आप में गर्व की बात है, और हमारे लिए नहीं, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए, मतलब हमारे लिए एक कोहिनूर हीरे की तरह है। बहुत खूबसूरत, कोहिनूर हीरे, यानी ये वो लाइन है कि इसे सिर्फ समझना, महज अपनाना ही नहीं है, उस पर अपने आप को खड़े करके देखना, ये बहुत बड़ी बात है। रेखा जी से सीखने के साथ साथ इन्होंने वो हर एक अंदाज को जिया है, और कहने का मतलब यही हो गया कि हर अंदाज में रेखा जी ने जीना सिखाया है। Woo!
हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। बर्थडे सेलिब्रेट, आपने देखा किस तरह किया, खूब मस्ती, खूब डांस, खूब धमाका, और साथ ही साथ कोरोना का ध्यान रखते हुए भी सभी लोगों ने, आप सभी जानना चाहूंगी कि खूब एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो ये बर्थडे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज रेखा जी का बर्थडे। राइट, आज रेखा जी का बर्थडे है, प्लस उन्होंने 50 ईयर्स अपने बॉलीवुड में कम्प्लीट कर लिए हैं, और देखिए वो ऐसी हीरोइन रही हैं जिन्होंने लेके दिलीप कुमार तक से और लेके अक्षय कुमार तक सबके साथ लीड हीरोइन, एज अ लीड हीरोइन उन्होंने काम किया है। तो अपने आप में इतना अच्छा, इट इज़ लाइक अ मिराकल, मतलब इतने सालों तक, इतने बड़े उनसे लेके और उसके बाद तक इतने टाइम तक अक्षय। बर्थडे पर हर बार कुछ ना कुछ होता है, एनजीओ के तौर पर भी काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ होता? उसमें हम काफ़ी सारी तरह की चीज़ें करते हैं, मतलब गरीब बच्चे होते हैं उनको, जैसे अभी स्टेशनरी वाली चीज़ें हो गई या कुछ कपड़ों की बात हो गई, कपड़े, जैसे अभी जैसे सर्दियां आने वाली हैं उसमें क्या होता है कि उससे पहले, सर्दियों से पहले थोड़ा सा उनको क्लोथ्स वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटर्स के कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। मैं चाहूँगी एक गाना और दो लाइन में कोई भी, आप बहुत खूबसूरत गाते हैं। आपकी आँखों में जो उनकी आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल आइज है ना, तो उनके डेडिकेटेड गाना है, तो उनके लिए हम लोग करते हैं डेडिकेट। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। मैं आगे करूँ एडिट। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज रेखा जी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, आज उस अदाकारा का बर्थडे है जिन्होंने 70 के दशक से लेकर अब तक अपनी सादगी और अपनी अदाओं की मौजूदगी हमेशा लोगों के सामने रखी। उसी अदाकारा के ये इतने सारे फैन हैं, और यही नहीं बहुत सारे फैन हैं इनके, लेकिन हर साल यही फैन, यही टीम, इस कोरोना में कम लोग, हर बार बहुत सारे यहाँ पर टीम मौजूद होती हैं, बर्थडे मनाती हैं, लेकिन इस साल कोरोना का ध्यान रखा गया, तो घर के मेंबर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए और तमाम बातें आप तक पहुँचाते हैं। अब रेखा जी की वो बातें और इन फैन से वो जानते हैं कि आखिर शुरुआत कब करी आपने, बहुत ज़रूरी हो जाता आपसे जानना कि आप बचपन में 5 साल के थे तब से आप रेखा जी के फैन के तौर पर आज तक आप इस संस्था को लेकर चल रहे हैं, तो मैं शुरुआती दूर जानना चाहूँगा। देखिए जब मैं छोटा था तो उस वक्त तो खैर मुझे नहीं पता कि फ़ैन किसे बोलते हैं या फेवरेट क्या होता है, बट तब एक मैंने फील किया, मैं बहुत फैशिनेट हुआ उनकी ब्यूटी को देख के, उनकी ब्यूटीफुल आइज को देख के, तो मुझे इतना भी नहीं मतलब ये उनका नाम क्या है, बट धीरे धीरे हाँ पता लगता गया कि हाँ वो एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं रेखा। फिर 90s की बात है जहाँ से एक शुरुआत हुई थी बहुत अच्छे से,
तो तब की बात है, तो उस वक्त एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, तो वो जब मैंने पढ़ा था तो उस टाइम पे आर्टिकल में था कि भाई अब जो एक्ट्रेस रेखा है उनका जादू थोड़ा ख़त्म हो रहा है और वो शायद अब इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगी, फिनिश काइंड ऑफ वर्ड। उस बात ने मुझे बहुत अंदर से परेशान कर दिया कि यार वो तो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, ये कैसे हो सकता है। तो मुझे लगा नहीं, उस बात ने मुझे अंदर से एक मोटिवेट किया, एक गुस्सा और जुनून भर दिया, एक एम दिया मुझे कि नहीं ये शुरुआत मैं करूँगा, मैं इसको आगे लेके जाऊँगा। और तब से वो सिलसिला स्टार्ट हुआ करते 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 फिर 2000 के आसपास हम लोगों ने अपना, हम लोग टीम के लोग इकट्ठा हुए, अब मेरे फ्रेंड सर्कल जितने भी हम लोगों से हमने बातचीत की, हमने अपना एक टीम गठित की हम लोगों ने, और अमित जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और पूरा काम भी संभालते हैं वो लाइफ में आए, और उनको मैंने बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, मेरे पास आई हैव मोर देन 30,000 पिक्स का एक कलेक्शन है, मोर देन 30,000। उस पिक्स को हमने डिस्प्ले किया, हमने एग्जीबिशन करना स्टार्ट किया सिटीज़ के अंदर, इनॉग्रेशन हुआ उसका, उसके बाद फिर हम लोग हर साल उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते गए डिफरेंट थीम के साथ में। हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते गए और वो सिलसिला, वो कारवा वहाँ से शुरू हुआ और आज तक आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आपसे ये जानना चाहूँगी कि रेखा जी से बात हुई कभी? जी हाँ, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, उनसे बात तो नहीं हो पाई बट ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट वो बात ही, मतलब ऑलमोस्ट एक ही बात है। जैसे कि आप, जैसे हम हर साल ये 2006 से जो जर्नी हमने स्टार्ट करी, हर साल इस प्रोग्राम का, इस तरह की जो जो भी हम चीज़ें करते हैं, हर साल मैं 10 तारीख के उनके बर्थडे के बाद में उनको सब डिस्पैच करता हूँ। तो ये शायद 2010 की बात रही होगी कि मुझे उनके ऑफिस से कॉल आया था, पहले वो कॉल मिस हुआ, फिर फाइनली उनकी सेक्रेटरी से बात हुई, हाँ उनकी असिस्टेंट से बात हुई। सो ये मेरे लिए बहुत लक है, मेरा लक काम किया कि वो कॉल मैंने रिसीव की और मेरी उनसे बात हुई। क्योंकि देखिए, जिसके लिए हम काम करते हैं उनको अगर ये इतला नहीं है, उन्हें बहुत खुश हुई, मतलब वो एक चांस की बात थी, दोनों को लाया था, अमित को मुझे, और अमित मैं अपने ऑफिस में बिजी था तो मैं वो कॉल फोन साइलेंट था, मैं कॉल देख नहीं पाया था। ये हो गया कि जो बर्थडे आप इतने सालों से मना रहे हैं उसका वहाँ तक रेखा जी तक पहुँचना और वहाँ से फ़ोन आना और आप लोगों की चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी निगरानी में है, सेव कर रखी हैं, वो देख रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो हर कोने में है, कहीं पर भी मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, मतलब मेरी, हमारी फैमिली में हमारी तीन जनरेशन, मेरी मदर, मैं खुद और मेरी सिस्टर की बेटी, मतलब तीन जनरेशन उनकी फ़ैन है। मतलब मेरी सिस्टर की जो बेटी है बहुत छोटी है, वो किसी को नहीं जानती है, मतलब लेकिन वो रेखा जी को फौरन देख के रिएक्ट करती है। यही अंदाज, यही खूबसूरती की बातें, और रेखा द दीवा यानी ये फैन फॉलोइंग, ये पूरा, अगर मैं यहाँ पर टीम की बात करूँ तो बहुत कम आपको नज़र आएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है इस वक्त, लेकिन हर साल बर्थडे मनाने का और बर्थडे सेलिब्रेट करने की पीछे का जो वजह है, या मैं यूँ कहूँ, इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं लोगों को ये बताना है कि एक ऐसी एक्ट्रेस, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के पीछे उनकी जो जर्नी रही है वो कितनी हार्ड रही है, और साथ ही साथ कितना सिखाती है हमारी युवा जनरेशन को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को। तो आप बॉलीवुड में ज़रूर जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि एक फिल्म दो फिल्म करके अपना नाम कमा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको अपने पांव जमाकर रखने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, वो मेहनत का एग्जाम्पल है रेखा जी। तो आज 64वां बर्थडे सेलिब्रेट किया और साथ ही साथ एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे रेखा जी।